हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका फिर से मेरे चैनल पे। मेरे एक वीडियो है कौडियाला, उस पर मैंने देखा लोगों को जो वुडन कॉटेज का जब आप इसको ऑप्शंस बताते हो, तो मैंने ये फील करा उस वीडियो से कि लोगों को वीडियो बहुत पसंद आया। उसके बाद मैंने सोचा कि मैं एक और वुडन कॉटेज में जाऊँ, थोड़ा लग्जरी वुडन कॉटेज में, और उसको कैप्चर करूँ। ये सोचते सोचते फाइनली मैं कनाताल आ गया, और कनाताल में इस वक्त मैं जहाँ पे हूँ, इस जगह का नाम है, इस रिज़ॉर्ट का नाम है रॉ वुड रिज़ॉर्ट। ये एक तरीके का लग्जरी वुडन कॉटेज में आता है, और इनफैक्ट अगर आप कनाताल, चंबा और धनौल्टी के रेंज अगर आप देखोगे, तो इस पूरे रेंज में जहाँ तक मेरे को पता चला है कि दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट, और यू कैन से इससे अच्छा ऑप्शन आपको नहीं मिलेगा लग्जरी वुडन कॉटेज में। अच्छा, यहाँ आने से पहले आपको मैं आपको रूम दिखाता हूँ, पूरे रिजॉर्ट को कवर करता हूँ। बट उससे पहले आपको बताओ, जब अगर आप प्लान कर रहे हो, लेट से अगर आप दिल्ली से आ रहे हो, तो यहाँ आने के दो रास्ते हैं। एक रास्ता है जहाँ आप देहरादून होते हुए धनौल्टी, और धनौल्टी से होते हुए आप इस जगह पे आते हो कनाताल। दूसरा रास्ता है जो आप ऋषिकेश से होते हुए आते हो। ऐसे दोनों ही रास्ते बहुत ही खूबसूरत हैं, रोड काफ़ी अच्छा है। मैं हालांकि धनौल्टी होते हुए आया हूं, लेकिन अगर आपको सिर्फ कनाताल आना है, टेहरी डैम और सुरकुंडा देवी, इन सब चीज़ों को कवर करना है, क्योंकि ये स्पॉट नियर बाय हैं। और अगर आप कनाताल आते हैं, तो मैं आपको ज़रूर रिकमेंड करूँगा आप सुरकुंडा देवी जाएँ, जैसे यहाँ से 20 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है। तो आप ऋषिकेश होते हुए आए, क्योंकि वो रोड एज़ कम्पेयर टू धनौल्टी वाले रोड से थोड़ा ज़्यादा रोड जो है थोड़ा नैरो कम है। ऋषिकेश वाला रोड जो है वो नैरो कम है। हालांकि जो सीनिक जो आपको दिखेगा रोड में, जो सीन दिखेंगे, हिमालयंस का व्यू दिखेगा, वो दोनों में ही अच्छा दिखेगा। चलिए, ये तो आपको मैं एक बैकग्राउंड दे दिया कि मैं कहाँ पे हूँ, इस अभी क्या किस तरीके का आपको मैं वुडन कॉटेज दिखाने वाला हूँ। और अब हम पूरा रिज़ॉर्ट का एक टूर लेते हैं, रूम को देखते हैं, फिर देखते हैं हम आगे और क्या क्या कर सकते हैं। मैंने एक फैमिली रूम लिया है, और इसके बारे में अगर मैं बताऊँ, तो इंट्री के साथ ही आपको एक, आई थिंक अगर बच्चे हैं तो एक दो छोटे बच्चे तो आराम से इस पे आ सकते हैं। और इसका पूरा एम्बियंस देखो आप, मतलब रिच लुक आ रहा है, जो वुड का लुक आ रहा है वो इतना रिच है कि आप लाइट्स वगैरह देखो, आप फैंस देखो, सारे काफ़ी फैंसी हैं, काफ़ी हाई स्टैंडर्ड है उससे। और सामने ये डबल बेड है, वेरी नाइस, बहुत ही अच्छे से इन्होंने डेकोरेट भी करके रखा है। जो मुझे अच्छा लगा, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट इन्होंने बनाया है, ये भी बहुत अच्छा है। और वाइट कलर के जो इनकी वुड के साथ इन्होंने जो कॉम्बिनेशन किया ना, वो इसको और ज़्यादा रिच लुक देता है। बाथरूम देखें तो बाथरूम भी बहुत फैंसी है, काफी बड़ा मिरर है, बाथरूम में सारे एमिनिटीज आपको मिलते हैं। और जो अच्छी चीज मुझे लग रही है कि चाहे आप बेडशीट उठा लो, टॉवेल उठा लो, वो काफी न्यू, काफी नया ऐसा लुक दे रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत बार यूज्ड हुआ है, वो एक अच्छी चीज है। और सबसे ज्यादा इम्प्रेसिव चीज, इसका एक तरफ का वॉल जो है वो पूरा का पूरा मिरर का है, पूरे ग्लासेस है। अब मैं देखा हूं, जब आप इसको कर्टन को आप हटाएंगे, सामने आपके माउंटेन है, और ये सिर्फ इतना बड़ा नहीं है, ये देखो सामने आपका एक रूम का एक साइड का पूरा जो वॉल है, वो वॉल की जगह पे एक्चुअल में ग्लासेस है, और सामने पूरा माउंटेन व्यू है। और सबसे अच्छी चीज है, रात में जब आप बेड पे सोते हो, तो सामने आपको ओपन स्काई, माउंटेन, और अगर किस्मत अच्छी रही, मौसम अच्छा रहा, क्लीन रहा, तो शायद आप तारे भी देख पाओगे, जो कि शायद शहरों में देखना बहुत मुश्किल होता है। और टीवी तो खैर है ही है, और टीवी के पीछे का जो आप देख रहे हैं डिज़ाइन, और पूरा का पूरा जो इन्होंने वुडन वाइट कलर का जो इन्होंने यूज़ किया कॉम्बिनेशन, वो भी अल्टीमेट है। उसके बाद इनका जो रेस्टोरेंट है वो भी बहुत ही खूबसूरत है। इनका खुद का इनका एक कैफ़े भी है, जो इस पूरे कनाताल में बहुत फेमस है, हम उसमें भी जाएंगे, फिर एक दो स्पॉट कवर करेंगे। बट ओवरऑल ये जो जगह है, मैं सबको रिकमेंड करूंगा आप आए, थोड़ा बजट वाइज थोड़ा हायर साइड पे है, बट देन जब आप यहाँ पे आओगे तो आपको सेटिस्फेक्शन लेवल काफ़ी अच्छा मिलेगा। थैंक यू। अब मैं थोड़ा रेस्ट लूँगा, गाड़ी चला चला के थक गया हूँ, और इसके बाद आप तब तक पूरा प्रॉपर्टी का एक टूर लें, और मैं थोड़ा आराम करता हूँ। और
जब मॉर्निंग में आप ब्रेकफास्ट करने आएँ या दोपहर का लंच, रात का डिनर, तो इसी जगह पे आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिलेगी। और ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। इनफैक्ट कभी कभी मेरा खुद का शौक है कि मैं कोई कैफ़े या कोई रेस्टोरेंट खोलूँ, तो शायद ये लुक जो है ना मुझे इतना इम्प्रेस कर रहा है कि शायद मुझे लगता है कि अगर मेरा कैफ़े होगा, अगर होगा तो कुछ ऐसे ही होगा। और इसकी एक खूबसूरती आप देखो, कैफ़े के अंदर से ही ट्री है और इट्स अ लाइव ट्री, और इस पर इन्होंने लाइट वाइट लगा दिया है, तो आई एम श्योर रात को इसका लुक और भी प्यारा होगा। और ये आपका पूरा एरिया है जहाँ पे आप से खाना वगैरह यहाँ पे सर्व होता है। और सामने ये व्यू है, स्टेबल पे बैठ के आप माउंटेन का व्यू लें और अपने खाने का मजा लें। साइकिल वगैरह भी है, तो अगर किसी को साइकिल का शौक है, साइकिलिंग करने का, तो ऑप्शन है। यहाँ पे आपको स्मॉल कॉटेजेस भी मिलेंगे, आई थिंक फॉर वन फैमिली विच इज़ गुड, बट अगर आपकी फैमिली बड़ी है तो आप फैमिली क्वार्टर्स कॉटेज भी ले सकते हैं, जैसा कि मेरा है। अंदर का ये पूरा व्यू है, आज मेरा सेकेंड डे है और मैंने चेकआउट कर लिया है, बट मैंने सोचा आपको एक और इन्फॉर्मेशन दूँ। इनका जो बोर्ड है रिजॉर्ट का, ये इस मेन रोड के पास ही है, रॉउड के नाम से आपको यहाँ पे इनका बोर्ड दिख जाएगा। नीचे इनका पूरा का रिजॉर्ट है जो आप ऑलरेडी देख चुके हो, और ये यहाँ पे इनका कैफ़े है। और कैफ़े के बारे में अगर आपको बताऊँ तो इस पूरे कनाताल में जो सबसे अच्छा कैफ़े है, और आप कह सकते हो कि मतलब बाकी भी जो रिजॉर्ट है वो इनसे ही सामान लेके जाते हैं, जैसे पिज़्ज़ा हो, केक हो, बेकरी के जितने भी आइटम्स हैं, तो ये इनका कहना है कि ये फेमस है इस जगह पे बेकरी के लिए भी। आइए मैं आपको इनके मैनेजर से मिलाता हूँ, अरुण जी। तो ये अरुण जी है, और अरुण जी ही पूरा टेक केयर करते हैं यहाँ पे। ये दिल्ली से स्पेशली अपना जॉब छोड़ करके ये यहाँ के लोकल भी हैं, ये यहाँ पे आए हैं, और काफ़ी अच्छे से इन्होंने वेल मेंटेन रखा हुआ है। और जैसा कि आपको उन्होंने बताया कि इस पूरे धनौल्टी और कनाताल के रेंज में अगर आपको एक लग्जरी वुडन प्रॉपर्टीज़ देखना है, रहना है, तो आई थिंक दिस इज़ द बेस्ट प्लेस यू शुड कम। अब हम लोग इस तरफ जा रहे हैं, ये रोड धनौल्टी होते हुए देहरादून निकल जाएगा। कल हम इसी रास्ते से आए थे, हम जस्ट एक दो स्पॉट कवर करेंगे और फिर इस रास्ते से हम वापस ऋषिकेश होते हुए दिल्ली निकल जाएंगे। इस नियर बाई जो मार्केट है आपका चम्बा पड़ेगा। अच्छा, चम्बा। चम्बा से जस्ट 7 किलोमीटर हेड है मसूरी की तरफ। अच्छा, अगर आप चम्बा से होते हुए आते हो तो 7 किलोमीटर का डिस्टेंस है। देन इस क्लब महिंद्रा आगे है। अच्छा, क्लब महिंद्रा है। तो बेसिकली गेस्ट के लिए इस प्रेफरेंस की, आप अगर ऋषिकेश होते आना है तो नगर होते हुए ऋषिकेश चम्बा। अच्छा, तो इनका भी ये कहना है कि अगर आप सिर्फ कनाताल आ रहे हैं तो ऑल्दो दोनों रोड बहुत ही सुंदर है, बट आप ऋषिकेश वाला रूट लें, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। चलिए अब चलते हैं, एक दो स्पॉट कवर करते हैं, फिर वापस ऋषिकेश होते हुए दिल्ली निकलते हैं। थैंक यू जी। थैंक यू। मीटिंग। इस वक्त जहाँ मैं खड़ा हूँ इसको कॉडिया फॉरेस्ट रेंज बोलते हैं। इस तरफ आप देखोगे तो जीप सफारी है, आप जीप सफारी लेकर के 8 किलोमीटर तक का ट्रैक कर सकते हो। यहाँ कोई वाइल्ड यू नो एनिमल्स वगैरह देखने का स्कोप नहीं है, दिस इज़ मोर ऑफ ए नेचर वॉक। अगर आप नेचर में बहुत ज़्यादा मतलब ट्रीज वगैरह देखना चाहते हो, नेचर को इन्जॉय करना चाहते हो, तो आप 8 किलोमीटर का जीप सफारी ले सकते हो। सेकेंड ऑप्शन है, यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हो, पैदल ट्रैक है, और साथ में आप साइकिल वगैरह भी लेके जा सकते हैं, और इधर से आप एक दूसरी ट्रैक भी कर सकते हो अगर आपको पैदल या साइकिलिंग करनी है तो। इस फॉरेस्ट की खासियत ये है कि इसके अंदर
नॉर्मली जब आप पहाड़ों पे जाते हो ना तो आपको एक तरीके के ट्री चलते रहते हैं। यहाँ पे 8 किलोमीटर के रेडियस में हर पर्टिकुलर एक डिस्टेंस के बाद ना ट्री का पूरा जो है ना नाम और वैरायटी चेंज हो जाता है। लाइक स्टार्ट करेंगे जैसे कि उन्होंने देवदार से शुरू करा, फिर ओक का आता है, इसी तरीके से 3 अलग अलग तरीके के फॉरेस्ट वन बाय वन आपको इस फॉरेस्ट के अंदर मिलेगा। यही इसकी ब्यूटी है। और फिर बीच में अगर आप जब अंदर जाते हो तो अंदर से आपको हिमालयन व्यू बहुत अच्छा दिखता है। मैं अंदर नहीं जा रहा हूँ बट आई थिंक इतना इन्फॉर्मेशन देने का पर्पस ये था कि अगर आप कभी आते हैं तो आप यहाँ से जीप सफारी और पैदल ट्रैकिंग दोनों ही कर सकते हैं। आइए चलते हैं आगे, एक एडवेंचर पार्क भी है उसको भी कवर करते हैं। मेरे साथ तुस्ते हैं, ये गुजरात से आए हैं, अनिकेत माय सन। इन दोनों ने अपनी जिप ड्राइव और साइकिलिंग कर ली है। भैया हैं जो इसको पूरा रन करते हैं। तो मेरा पहला क्वेश्चन इनसे ये था राइड, मतलब इनका राइड करने से पहले, कि आपने सेफ्टी के लिए ऐसे क्या क्या मेजरमेंट करा हुआ है, तो भैया आप थोड़ा बताएंगे जिससे कि मेरे सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स को थोड़ा आइडिया लगेगा कि सेफ्टी क्या है, बिकॉज एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है। एक्चुअली सेफ्टी ही मेन, आपका सारा गेम सेफ्टी में से होता है। हाँ जी, अगर आपको सेफ्टी नहीं होगी तो एक्टिविटीज भी नहीं होगी। करेक्ट। तो सेफ्टी का पहले हमारा स्पेशली है कि मैं एक माउंटेनियर हूँ। अच्छा जी। और मैंने उत्तरकाशी NIM से सारे कोर्सेज किए हैं और बाकी मैं 2009 से इस फील्ड में काम कर रहा हूँ। बाकी सेफ्टी के स्पेशली हमारे पास पूरे इक्विपमेंट्स, जैसे सीट आने से होता है, बॉडी आने से होता है, कैरबिनर होता है और हेलमेट होता है, उस पर हम डेली एवरीडे उसको हम एक बार चेकअप कर लेते हैं, उसके बाद ही हम रूटीन में उसको जाते हैं। और जो हमारी टीम होती है वो सारी एक क्वालिफाई भी होती है, इस चीज़ का नॉलेज भी होता है और एवरीडे रनिंग डेली फील्ड में काम करती है। ओके। तो उस पर स्पेशली हम ख्याल रखते हैं सेफ्टी का। नहीं, गुड है। मतलब थोड़ा सा मुझे भी, जब मैं शुरू करने वाला था अपने बेटे के लिए और इनके लिए भी, तो पहला क्वेश्चन में सेफ्टी का ही पूछा था और मुझे सेटिस्फैक्ट्री लगा। बाकी एक चीज़ बड़ी अच्छी लगी इनसे मिल करके, इस ट्रिप में कनातार एक ऑफबीट डेस्टिनेशन है और मुझे गुजरात के काफ़ी लोग दिख रहे हैं, तो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़, लोग गुजरात से इतने दूर तक आ रहे हैं और मैं एज ए दिल्ली में रहने के बाद भी फर्स्ट टाइम यहाँ पे आया हूँ, तो इट्स गुड। इंडिया में सारे लोग हर जगह जा रहे हैं, एक अच्छी चीज़ है। चलिए मिलते हैं अगली स्पॉट पे। थैंक यू बड़ी। कनाताल के इस ट्रिप में मैं जिस भी स्पॉट पे जा रहा हूँ, हर जगह मुझे लगता है कि मतलब मैं बहुत लाइक इससे पहले क्यों नहीं आया यहाँ पे, ऐसी फीलिंग आ रही है। अभी तक आपने देखा कि मैं वुडन कॉटेज में था, काफ़ी अच्छा था, फिर हम कौड़िया फॉरेस्ट गए, फिर वहाँ से हम एडवेंचर स्पोर्ट्स देखने गए। इस वक्त जहाँ पे मैं हूँ ये जगह है टेरी डैम। ये जगह फेमस है अपनी खूबसूरती के लिए, प्लस यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स बहुत सारे होते हैं। कुछ एक स्पोर्ट्स जो आप गोवा में जाके करते हैं वो शायद आपको यहाँ पे भी आराम से मिल जाए। और आप देखें, मतलब इतना खूबसूरत पूरा ग्रीन वाटर है, चारों तरफ माउंटेन और फॉरेस्ट, और बीच में बोटिंग भी हो रही है। आई थिंक फास्ट बोट भी यूज़ कर रहे हैं। और अभी हम चलते हैं, पता करते हैं कि वाटर स्पोर्ट्स क्या क्या होते हैं यहाँ पे, और उसका डिटेल्स आपके साथ भी शेयर करता हूँ, और मेरे लिए भी शायद ये फर्स्ट एक्सपीरियंस रहेगा। आइए, ये जो जगह आप देख रहे हैं, ये यहाँ से आप अपना टिकट वगैरह कटा के आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ वाटर स्पोर्ट्स कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसमें से कोई भी एक्टिविटी परफॉर्म नहीं कर रहा हूँ, आप कह सकते हो थोड़ी बहुत फियर फैक्टर भी है, बट अगर आपको इंटरेस्ट है तो टेहरी डैम के इस जगह पे आके आप आराम से अपना जितने भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हैं आप उसको इंजॉय कर सकते हो। वेल, चलिए कनाताल के इस एपिसोड में मैं जिस भी जगह पे गया हूँ काफ़ी ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल हाई है मेरा, और उम्मीद है इस वीडियो को देखने के बाद जब कभी आप आएंगे तो आपको भी ये जगह काफ़ी अच्छा लगेगा। एंड यस, दिस इज़ द एंड ऑफ दिस वीडियो। प्लीज़ कमेंट ज़रूर करें, और एक बार मैं सबको थैंक यू कहना चाहता हूँ जितने भी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स हैं, बिकॉज मेरा 500 का टारगेट यू कैन से कि फर्स्ट माइलस्टोन हो चुका है, और इसी तरीके से मैं नए नए वीडियोज़ बनाता रहूँगा। उम्मीद है आपको पसंद आता रहेगा। धन्यवाद।